सैनी है और मैं ग्राम हरफतेहपुर जिला शामली और थाना भवन गन्ना सोसाइटी का मेंबर हूँ। अच्छा, अभी अभी आपने जो गन्ना बोया हुआ है जी, तो सारा गन्ना टेंट से लगाते हैं या? हमारे यहाँ तीन विधि से गन्ना बोया है, एक तो 30 इंच, हाँ, एक गड्ढा विधि और एक 4 फुट के हिसाब से, यानी वो लाइन छोड़ के जो बोया जाता है, 4 लाइन बो दी, एक छोड़ दी। अच्छा, बहुत सारे किसान गन्ने में बहुत पेस्टिसाइड डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन आप चूँकि प्राकृतिक खेती करते हैं तो किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है कि रासायनिक विधि से खेती करनी चाहिए या जिस तरीके से आपने वर्मी कंपोस्ट की बेड बना रखी है और इससे आप खेती कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी सलाह क्या है? अगर खेती में केचुआ खाद और डीकम्पोजर और संजीव खाद ये डाले जाए तो 60% रासायनिक खाद की बचत होती है, कमजोर पड़ेगी, 40% नहीं काम चल जाएगा अगर आप रासायनिक खेती करते हैं, और नहीं तो अगर पूरी ऑर्गेनिक करते हैं तो ये मैं आगे भी दिखाऊंगा। हमारे यहाँ दो बायोगैस हैं लगे, ये केचुआ खाद है, ये साइड जो है ये केचुआ खाद का है और संजीव खाद भी है, डीकम्पोजर भी है। अच्छा, यहाँ पर इस फार्म पे आपने देसी गायें रख रखी हैं? जी जी। तो देसी गायों का कोई विशेष प्रयोजन है जिसके लिए रखी हैं या क्या समझते हैं उनका जो खाद है, फर्टिलाइजर है, वो खेत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है? सबसे अच्छी देसी गाय होती है। और मैं एक खास बात और बताना चाह रहा, जिस घर में देसी गाय का कलमबंद दूध पिया जाता है वहाँ लेडीज को स्तन कैंसर नहीं हो सकता, त्वचा कैंसर नहीं हो सकता और बड़ी आंत का नहीं हो सकता।